जय दोस्तों, मैं हूं पार्थ मंडली। मैं आप लोगों को मेरा फूड चैनल जायका भूरी मोज में स्वागत करता हूं। अच्छे अच्छे और इजी रेसिपी के लिए आप लोग मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज मैं आप लोगों को मेरा किचन में लेकर चला जाता हूँ आज के स्पेशल रेसिपी के लिए। आज का स्पेशल रेसिपी है चिकन पकौड़ा। चिकन पकौड़ों के लिए पहले ले लेंगे चिकन का पीसेस, एक अंडे, ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी, नमक और सरसों का तेल, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा सोया सॉस, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो दोस्तों, ये है हमारा इंग्रेडिएंट्स जिसके लिए हम टेस्टी चिकन पकौड़े बनाएंगे। अब पहले चिकन पीसेस में ब्लैक पेपर मिक्स कर दिए और अंडा भी डाल दिए। ये जो अंडा है ये चिकन पीसेस का बाइंडिंग को अच्छा रखता है। अब थोड़ा सा सोया सॉस इसमें डाल देंगे। अभी जो पेस्ट बनाए थे उस पेस्ट को मिक्स करेंगे। अभी डाल देंगे हल्दी और नमक, ये आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। दोस्तों, अभी मैदा डाल देंगे। ये गया कॉर्नफ्लावर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी दोस्तों, एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लेंगे। दोस्तों, जो चिकन पीसेस है उसको हमें डीप फ्राई करना है, तो उसी हिसाब से तेल कढ़ाई में डालना है। अभी ये जो मैरिनेटेड चिकन पीसेस है हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको पहले मीडियम हीट में तलना है। कुछ देर बाद इसको फुल आंच में फ्राई करना है। बीच बीच में थोड़ा सा इसको हिला देना है कि नीचे से लग ना जाए कढ़ाई में। फिर हमारा जो चिकन पकौड़ा है ये रेडी हो गया। इसको हम प्लेट में उठा लेंगे। दोस्तों, हमारा चिकन पकौड़ा इधर रेडी है। आप लोग सॉस के साथ और सलाद के साथ इसको गर्मा गर्म खाइए और चिकन पकौड़े का मज़ा लीजिए। और ऐसे ही और भी रेसिपीज के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।